ये केबल लेके आ गए। मैं हम यहाँ पर आए हैं गन्ना का जूस पीने के लिए। गुड मॉर्निंग माई ब्लॉग फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। मैंने कहा था शॉप के लिए, एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी मच्छर हैं, इनको फिक्स करना पड़ेगा। चलिए मैं निकलता हूँ शॉप। ये देखिए सूरज निकल चुका है, यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। वैसे इस एरिया का प्लॉट अभी काफी खाली है, बट कुछ ही समय में ये पूरी तरीके से भर जाएगा। आपको तो पता है मैंने बताया था कि मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना था, बट इस एरिया में फाइबर नहीं। चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी का यहाँ ब्रॉडबैंड या फाइबर जो भी मिल जाए मुझे। एक से बात तो चल रही है, बोला है कि आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम है। काफी खूबसूरत दिख रहा है, सामान तो अपने बाहर निकल गया है। अब जा रहा हूँ मैं चाय बनाने के लिए। देखिए रोड में धीरे धीरे गाड़ियों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक नंदी महाराज आ चुके हैं, ये गाड़ियाँ चलने स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने चाय फ्लास्क में रेडी कर लिया है, मैं जा रहा हूँ साफ सफाई करने के लिए। पूजा मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, नहीं तो आज आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। आज काम थोड़ा जल्दी हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा। आप सभी को पता है कि गर्मी काफी बढ़ चुकी है और ऐसी गर्मी में कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक ऐसा एसी जो आपके रूम को काफी अच्छी तरीके से चिल्ड कर देगा। जी हाँ, मैं खुद इस चीज को यूज कर रहा हूँ। ये एलजी के 1.5 टन का एसी है जो 3 स्टार है, काफी इफेक्टिव है आपके रूम को कूल करने के लिए। मैं इसे कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप जाइए और तुरंत परचेस कर लीजिए। देखिए आज फिर ये परेशान करने आ गई है, इनका कुछ काम नहीं है, बस आती है और डस्टबिन के डिब्बे को गिरा देगी बस। अब धूप सीधा सिर पे आ रही है, थोड़ा हटना पड़ेगा यहाँ से, मुझे थोड़ी देर में गर्मी बढ़ जाएगी और मैं यहाँ पर बैठ भी नहीं पाऊंगा। ये देख लीजिए कितनी धूप बढ़ गई है, चलिए थोड़ा साइड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है चावी डिलक्स, और जैसे ही मैंने इसे टर्न किया यहाँ पर लिखा है मैच इंडस्ट्री इन तमिलनाडु 100th एनिवर्सरी, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में और 2023 में मैन्युफैक्चर हुआ है। आई थिंक काफी पुराना ब्रांड हो गया है ये, मेरे ख्याल से इससे पुराना आई थिंक कोई नहीं होगा। आई थिंक मैंने गलती से इस अदरक को फ्रीजर में डाल दिया था, ये तो पूरा हार्ड हो जाता है, मैं भी कैसे भूल गया। तो चलिए इसे नॉर्मल फ्रिज में ट्रांसफर कर देता हूँ, यहाँ पर सेफ रहेगा। अरे यार बिस्लरी की पानी बॉटल ख़त्म हो गई है और मुझे मंगाना भी पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा था। अभी मैंने स्टॉक चेक किया तो पता चला कि बॉटल ख़त्म हो चुकी है। चलिए इसे कॉल कर लूँगा कि बिस्लरी की बॉटल ले आए। अभी भी बाहर मस्त लग रहा है, काफ़ी मस्त मौसम रही है, बट जैसे ही अंदर जाओ गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। वैसे आज मुझे एक काम और है, आज इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे केबल भी लेने हैं, और साथ ही उस दिन मैं गया था बेल लेने के लिए बट शॉप ओपन नहीं हुई थी, सो बेल भी लेके जाना है। चलिए देखते हैं शॉप कितने तक ओपन होती है, फिर निकलेंगे हम घर। ये कल एक नया फ्लेवर आया है क्रीम बेल का, जैसे केसर बादाम है वैसे इसमें इलायची फ्लेवर है, जो कंपनी वाले बोल तो रहे थे काफ़ी टेस्टी है, बट मैंने ट्राई तो नहीं किया है। कभी अगर ट्राई करने का मौका लगा तो बिल्कुल ट्राई करूँगा, बट मुझे वो मीठा उतना पसंद नहीं है, इसका मैं बहुत कम मीठा खाता हूँ। ये देखिए बाकी प्रोडक्ट अच्छी तरीके से सेट है। चलिए कॉफ़ी का ऑर्डर आ गया, उसे मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। चलिए 1 लीटर की पानी की बॉटल्स काफ़ी कम हो चुकी है, चलिए मैं इसे रिफिल कर लेता हूँ। मैंने ये एक्वाफिना का मंगाया था, चलिए इसे रिफिल कर देता हूँ मैं। चलिए फाइनली फिक्स हो गया है। ये देखिए धूप का टाइम हो गया है, काफी धूप बढ़ गई है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगाया था, अब जब वो डिलीवरी करने आया तो कंपनी से ओटीपी आ नहीं रहा, मैंने उसे रिटर्न कर दिया, बट अभी तक उनका ओटीपी आया नहीं है और रिटर्न का ऑप्शन डाल ही रहे, बार बार पिकअप का ऑप्शन आ रहा है, बट जिनको मैंने रिटर्न किया था उनका फोन भी नहीं लग रहा है और मेरा रिफंड भी नहीं आया। अभी जो पार्सल लेके गए थे उनसे बात हुआ,
तो बोले कि उनका नंबर दे दीजिएगा। मैं उनको बोला कि मेरे को पार्सल वापस कर दीजिए, जैसे रिटर्न का अप्रूव आएगा मैं उनको खुद से वापस कर दूंगा, तो मेरे रिफंड आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर मैं उसे रख लूंगा, चलिए देखते क्या होता है। ये केबल लेके आ गए मैं, फिलहाल तो अभी टेम्प्ररी कनेक्शन है, इसके लिए लेके आया हूँ मैं। बिल्डर ने कहा था कि ले आना, फाइनली मैं ले आया। चलिए चलते मैं हाथ पैर धो लेता हूँ और कर लेता हूँ लंच, उसके बाद करूँगा मैं थोड़ा आराम, शाम को निकलेंगे शॉप। हम यहाँ पर आए हैं गन्ना का जूस पीने के लिए। फाइनली हम शॉप पहुंच गए हैं, ये चाय बन रहा है हमारा, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। फ्राइज अच्छे थे बट थोड़े ऑयली हो गए थे। देखिए शाम हो गई है, 7 बज चुका है और पूजा भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये देखिए फलों का राजा आम। एक्चुअली मैं केबल तो लेके गया हूँ बट आज केबल कनेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ आज मीटर लग पाए हैं। अब देखते हैं, कल मैं बोला हूँ कि कल लगा देगा बट हमें कल भिलाई जाना है कुछ काम से, चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दिन डिले कर दीजिए अपना काम। देखिए रोड में भीड़ बढ़ती ही जा रही है और एक गौ माता शाम को भी आ गया आज। एक्चुअली रोड में अभी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज कैनवासिंग चल रहा है, आई थिंक आज लास्ट है कैनवासिंग का। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। फाइनली हम लोग शॉप से घर आ गए हैं। एक्चुअली हमें कल बाहर जाना था, इस वजह से हम जल्दी डिनर करके सो जाएंगे, तो जैसे ही डिनर रेडी होता है मैं डिनर करूंगा, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चलिए देखते हैं कि डिनर में क्या बन रहा है आज। देखिए डिनर में बन रहा है आज जीरा राइस, सुखाएंगे हम अचार के साथ। यहाँ पे बर्तन की सफाई भी चल रही है, वैसे हमारा डिनर रेडी हो गया है, चले हम डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। One hour later. तो चले आज के वीडियो पे इन करते हैं, मिलते हैं कल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। और अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बना तो नीचे आओ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दिया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलेगा नहीं।